Welcome back, sir. All systems for gaming will be prepared in a few minutes. For now, feel free to grab a cup of coffee and have a good day. दोस्तों, जो क्लिप अभी आपने देखा, अगर आप भी चाहते हैं अपने सिस्टम में कुछ ऐसा ही चीज़ सेट करना, इंस्टॉल करना, जो कि जब भी आप अपने सिस्टम को स्टार्ट करें या फिर बूट करें, तब आपका सिस्टम भी कुछ ऐसा ही परफॉर्म करे, आपका वेलकम करे, तो आज की वीडियो खासकर इसी बारे में होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक एक स्टेप पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो लोग टेकी लोग हैं, जिनको पता है वो इजीली कर लेंगे, और जिनको नहीं भी पता है ना, वो भी बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। तो इस प्रोसेस को पूरा अच्छे से करने के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लास्ट तक पूरा अच्छे से वॉच करना पड़ेगा। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो मैं आपको एक एक स्टेप बहुत ही आसानी से समझा देता हूँ। सबसे पहले आप क्या करना कि आपके सामने ये जो फाइल दिख रहा है जारविस नाम का, ये जिप में है, ठीक है, कॉम्प्रेस फोल्डर है ये आपका फाइल है, ठीक है। इसको आपको डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना। गूगल ड्राइव का लिंक मैंने दिया हुआ है। डाउनलोड करने के बाद आपको ये फाइल मिल जाएगी, इसे आपको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लेना है, ठीक है। इसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगा जिसका नाम है WRAR, ठीक है। मैं टाइप करता हूँ WRAR, ये सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगा आपको। तो इस सॉफ्टवेयर का भी लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हो इस फाइल को हैंडल करने के लिए, ठीक है। इसे डाउनलोड सेव करते हैं। इसे स्टार्ट करने के बाद आपको 1, 2, 3, 4 फाइल मिलेंगी, जिसमें एक आपका साउंड है, दूसरा वॉलपेपर है, तीसरा फोटोशॉप का फाइल है, चौथा एक एप्लीकेशन है, ठीक है। इन चारों का जरूरत हमें पढ़ने वाला है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है डेस्कटॉप पे, ठीक है, और यहाँ पे मिलेगा कंट्रोल पैनल, ठीक है। इसको आपको ओपन करना है, सबसे पहला काम ये है आपका, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आपको आना है साउंड पे, साउंड पे चले गए। यहाँ पे आपको आना है, यहाँ पे एक साउंड है, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे नीचे साइड में प्ले विंडोज स्टार्टअप साउंड, इसे आपको ऑन करना है, ठीक है। ऑफ रहेगा, इसे आपको ऑन करना है, फिर अप्लाई करना है, फिर ओके करना है, ठीक है। पहला काम खत्म। इसे क्लोज करते हैं, वापस से फोल्डर में आते हैं। अब आपको करना ये है, ये इमेज जो आपको दिख रही है इसको आपको ओपन करना है, ठीक है। तो ओपन करते हैं, ये हमारा एक वॉलपेपर है, ठीक है, और इस वॉलपेपर को मैंने कस्टमाइज किया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा लोगो है, ठीक है, एक यहाँ पे लोगो है, यहाँ पे नाम है क्रिएटेड बाय जेसन, ठीक है, और एक यहाँ पे नेम है जेसन, ठीक है। ये सारी चीज़ मैंने कस्टमाइज किया हुआ है, आप भी कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने फोटोशॉप का फाइल दिया हुआ है। आप फोटोशॉप यूज़ करते हैं तो कस्टमाइज कर सकते हैं, नहीं करते तो आप कोई भी वॉलपेपर लगा सकते हैं। उसके बाद कस्टमाइज करने के लिए मैं आपको बता दूँ, इसको हम क्लोज करते हैं, ये फोटोशॉप का फाइल है, ठीक है। इसे हम ओपन करेंगे, तो आपके सिस्टम में फोटोशॉप होना कंपलसरी है अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं तो, नहीं तो फिर आप सेम वॉलपेपर भी लगा सकते हैं, या फिर कोई भी टेक्निकल वॉलपेपर जो है कि आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ यही चाहिए बिल्कुल सेम टू सेम, तो आपको जो है कि ऐसा काम करना पड़ेंगे, ठीक है। ये फोटोशॉप ओपन हो गया। अब यहाँ पर देखिए, एक ये वॉलपेपर है, यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर ये भी हाइड हो गया, यहाँ से अनलॉक हो गया। तो ये वॉलपेपर आप चेंज कर सकते हैं। अगला है लोगो साइड लेफ्ट, मैं नाम भी लिख रखा है ताकि आपको जो है कि परेशानी ना हो। यहाँ पर देखो, यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। मैं इसे ऑन ऑफ करता हूँ, ये भी चेंज कर लेना। फिर एक जेसन करके है, यहाँ पे नेम लिखा हुआ है, इसे भी आप देखो कुछ यहाँ पे दिखेगा आपको, मैं तो जूम कर दूँ, ठीक है। अब देखो, एक ये आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। फिर एक जेसन करके है जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। इसको देखो ऑन ऑफ हो जा रहा है, ठीक है। सिर्फ यही चार चीज़ को जो है 1, 2, 3, 4 इन सब चार चीज़ों को आप चेंज कर सकते हो, बाकी का छेड़छाड़ मत करना, बाकी को इसे छोड़ देना, ठीक है। उसके बाद कर लो तो आप जाना फाइल पे, सेव एज पे, यहाँ पे फाइल टाइप चूज करना, यहाँ पे कर देना PNG, ठीक है, और सेव कर देना, ठीक है। जारविस नेम है, यहाँ पे सेव पहले से मेरा है, मैं सेव नहीं करूँगा, ठीक है। फिर कैंसिल करते हैं, अब इसे क्लोज करते हैं। ये हुआ बात कस्टमाइज करने का, अगर आप चाहते हैं कस्टमाइज करना तो, ठीक है। तो अगर आप कस्टमाइज करना नहीं चाहते हो तो वॉलपेपर जो भी चूज करना चूज कर लेना, ये लगाना चाहते हो तो यही लगा लेना, ठीक है। तो इसे आपको ऐसे ओपन करना है, राइट क्लिक करना है, सेट एज लॉक स्क्रीन पे इसे सेट कर देना है, ठीक है। अब ये हमारा लॉक स्क्रीन पे आ जाएगा, जब हमारा लैपटॉप लॉक होता है
जब भी आपको पता है जब हमारा लैपटॉप बूट होता है शार्ट में तो लॉक ही रहता है अगर आपने पासवर्ड लगाया है तो, ठीक है। तो पासवर्ड लगाना कंपलसरी है, ठीक है। तो पासवर्ड लगा लेना ताकि आपका लैपटॉप शुरू में लॉक ही रहे, तब आपका ये काम करेगा, ठीक है। अब इसे क्लोज करते हैं। अगला है ये साउंड और ये एप्लीकेशन। तो ये जो साउंड है इसको मैं आपको प्ले कर सुनाता हूँ। Welcome back, sir. All systems for gaming will be prepared in a few minutes. ठीक है, तो गाइस ये वही साउंड है जो आपको स्टार्टिंग में सुनने को मिला था, ठीक है। ये साउंड भी आपको जरूरी है और इस साउंड को ऐसी जगह रखना आप जहां से आप इसे मूव ना कर सको, ठीक है। एक ही जगह पर रहना चाहिए ये, अलग अलग मूव, ऐसा नहीं कि किसी और ड्राइव में रखा है बाद में किसी और जगह मूव कर दोगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। एक जगह स्टेबल कर दो, वहां से कोई मूव ना करे, वैसी जगह पर आप इसे रख दो, ठीक है। सबसे आसान तरीका है जैसे मैं बता दूं आपको, इस तरह का जो फाइल मिलता है वहां पर जाओ, यहां पे देखो जावी साउंड लिखा हुआ ना, मैंने यहां पे सेट कर रख दिया है ताकि यहां से कोई मूव ना कर पाए, ठीक है। ठीक है, इसे क्लोज करते हैं। उसके बाद अगला काम है ये एप्लीकेशन, ठीक है। इसे आपको ओपन करना है, यस करते हैं। और यहां पे देखो, यहां पहला है प्ले, रिप्लेस, रिस्टोर और एग्जिट। प्ले करोगे तो आपको साउंड सुनने को मिलेगा, ठीक है। तो जो आपका साउंड रहेगा डिफॉल्ट वो सुनने को मिलेगा। अब करना है कि आपको यहाँ पे रिप्लेस बटन है, यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ से साउंड चूज करना है कि आपने कौन से लोकेशन पे ये ऑडियो फाइल जो है ना कहाँ रखी है। मैंने यहाँ पर रखी है, ठीक है, जब भी साउंड मेरा स्टार्टअप से पहले से। तो आपको यहाँ पे चूज करना है कि आपने कहाँ पर रखा है। तो हम आते हैं दिस पीसी, फिर आते हैं यहाँ पे सी में, यूजर्स में जेसन और जार्विस साउंड। अपना पाथ चूज कर लेना आपने जहाँ पे भी रखा हुआ है, इसे क्लिक करना और ओपन करना है, ठीक है। वेलकम बैक सर, फिर प्ले करोगे सिस्टम्स फॉर गेमिंग विल बी प्रिपेयर्ड इन अ फ्यू मिनट्स, तो आपको सुनने को मिलेगा, ठीक है। फिर अगर आपको चाहते हैं फ्यूचर में कि नहीं अब मुझे ये चीज़ नहीं रखनी है, तो वापस से आप इसे रिस्टोर बटन दिख रहा है यहाँ पे, इसे पर क्लिक कर दोगे तो आप उससे जो है कि रिस्टोर हो जाएगा, ठीक है। हम एग्जिट करते हैं, हमारा काम खत्म। जब भी आप सिस्टम का बूट करोगे तो आपको जो है कि जार्विस का वो वेलकम साउंड सुनने को मिलेगा। तो गाइस यही है, काफ़ी इजी मैंने आपको समझा दिया। ये सारे फाइल्स का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, ये जीप फाइल में है आपको, तो इजीली आप उसे मॉडिफाई भी कर सकते हो, या फिर जो मैंने वाले प्रोडक्ट लगाया है वो सेम चाहते हो लगाना लगा सकते हो, अगर आपको फोटोशॉप यूज़ करना नहीं आता है या फिर आपके पास फोटोशॉप नहीं है तो, ठीक है। और आप लॉक किसी भी जगह पर कोई भी वॉलपेपर लगा सकते हो, ये आपकी मर्जी है। मैंने आपको अच्छा सा एक चुन करके बता दिया है और कस्टमाइज करके बता दिया कि देखने में अच्छा लगे और आप अपने दोस्तों को इम्प्रेस कर सको। तो गाइज इस तरीके से आप अपने लैपटॉप को कस्टमाइज कर सकते हो कि जब भी आपका सिस्टम बूट हो तो आपको कुछ ऐसा साउंड सुनने को मिले। तो बस आज के लिए इतना ही, उम्मीद दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए, अगर आपका कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। चाहते हैं किसी खास टॉपिक वीडियो देखना वो भी कमेंट कर सकते हैं, मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए क्योंकि मैं अपने ऐसे वीडियो लेके आते रहता हूँ। तो फिलहाल के टाइम दोस्तों मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।